Dear students, it is the fourth video for week 6, lecture 12, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अरकान इस्लाम। छठे हफ्ते में हमारी गुफ्तगू का महवर इस्लामी बुनियादी अकायद और ईमान है। तीसरी वीडियो में हमने इस्लाम के इक्तसादी और माली अकायद जो हैं उन पर बहस की और साथ मुआशरती अकायद उनकी अहमियत पर नज़र डाली। इस्लाम के बुनियादी अरकान मुदरजा ज़ैल हैं जी, तौहीद, रिसालत, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस्लाम की अकीदे और ईमान की चंद बातें छोटी मोटी दोबारे दोहरा देते हैं। इस्लाम अल्लाह की वहदानियत का हुक्म देता है और शिर्क से मना करता है। सच्चाई और रास्तबाजी का हुक्म देता है और झूठ से मना करता है। अदल व इंसाफ का हुक्म देता है और जुल्म और जोर से मना करता है। अमानत का हुक्म देता है और खयानत से रोकता है। वादा पूरा करने का हुक्म देता है और खामखा के उजर और हीलों से मना करता है। वालिदैन के साथ एहसान और भलाई का हुक्म देता है और इनकी नाफरमानी से मना करता है। अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी का हुक्म देता है और कता रहमी से रोकता है। पड़ोसियों के साथ उसने सलूक का हुक्म देता है और बदखोई और बदख्वाही से मना करता है। जैसा कि कुरान करीम में सूरह नहल में अल्लाह का इरशाद है, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल एहसान व ईताई ذिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़्य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह ताला तुमको अदल व एहसान करने और कराबरदारों पर खर्च करने का हुक्म देता है और फोश बातों, बुरी अदात, नीज, सरकशी करने से मना फरमाता है और वो अल्लाह तुम्हें इसलिए वाज करता है ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। इस्लाम के पांच बुनियादी अरकान हैं जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इनका तज़किरा हजरत उमर इबन उमर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में मौजूद है। ये बड़ी मशहूर हदीस है। बुनियल इस्लाम वाला खम्स शहादत अन ला इलाह इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अकामस सला व ईताइज़ ज़का वल हज व सौम रमदान। इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गई है। गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्ला का हज करना और माह रमज़ान के रोज़े रखना। ये बिल्कुल वही बातें जो पहले हम दोहरा चुके हैं। तौहीद जो है ये बुनियादी एक अहमियत का हामिल है जो इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। जो अल्लाह को मानते हैं वो अलोहियत के पैरोकार होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक इस्लाम से हो, यहूदियत से हो, नसरानियत से हो। फिर बाकी मजीद तकसीम जो है वो इस बाकी अकायद के जरिए होती है। और कुरान करीम इरशाद है, वमा अरसलना मिन कब्लिक मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु अन्ना फअबुदून। और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं
बस मेरी इबादत करो। और कुरान करीम में इसी तरह ये दूसरी आयत सूरह आले इमरान, शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवल मलाइकतु वल उलुल इल्म कायमन बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला फरिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अदल के साथ दुनिया को वो अदल के साथ दुनिया को कायम रखने वाला है, इस गालिब और हिकमत वाले के अलावा कोई माबूद नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इन पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। और न सिर्फ उनकी नबूवत पर ईमान लाना बल्कि ख़त्म नबूवत पर ईमान लाना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, जैसा कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबियीन, कि तुम्हारे मर्दों में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के बाप नहीं है मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमन नबियीन है। और इसी तरह दीन के बारे में फरमाया, अलयौम अकमलतु लकुम दीनुकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ईतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत भी तुम पर पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक दीन अब इस्लाम ही है, जैसे सूरह आले इमरान में, वमन यत्तबे गैर अल-इस्लाम दीना फलन युकबल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा तो वो इससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में घाटे उठाने वालों में से होगा, सूरह आले इमरान आयत नंबर 85। और फिर अल्लाह सुबहाना व तआला ने इस आयत करीमा में सूरह आराफ आयत नंबर 158 में बड़ी तफसील के साथ अकीदों को जिक्र कर दिया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युही व युमीतु फआमिनु बिल्लाहि व रसूलिही अन्नबीयल उम्मी अल्लज़ी يؤمنون بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون। आप कह दीजिए, ए लोगो, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ जो तमाम आसमान और जमीन का मालिक और बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है, बस अल्लाह और इसके भेजे हुए नबी उम्मी पर ईमान लाओ जो अल्लाह और उसके कलाम पर यकीन रखते हैं और उस नबी की इत्तबा करो ताकि तुम हिदायत पा सको। यहाँ पर एक लफ्ज उम्मी लिखा हुआ है, इसका मतलब अरबी का उर्दू में तर्जमान पढ़ है, याद रखिएगा नाउज़बिल्ला नबी अनपढ़ नहीं होते, फर्क ये होता है कि अम्बिया का दुनियावी उस्ताद कोई नहीं होता, उनका उस्ताद अल्लाह होता है क्योंकि उसी ज़ात ने उन पर वही नाजिल करनी होती है और वही ज़ात उनको अपने तौर तरीके से इलम हासिल देती है, ठीक है ना, वही ज़ात उनको इलम देती है और उस चीज़ का शऊर अता करती है जिसके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकते। और इसके अलावा एक हदीस में नबी सल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदं बियदी, कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद सल्लम की जान है, इस उम्मत में से जिस किसी ने ख्वाह यहूदी हो या ईसाई मेरे बारे में सुना और वो इस दीन पर ईमान लाए बगैर मर गया जिसके साथ मुझे भेजा गया है, तो वो यकीनन अहले जहन्नम में से, यानी कि कोई शख्स भी हो अगर उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इलम हुआ और वो आप पर ईमान नहीं लाया तो वो अहले जहन्नम में से, सही मुस्लिम की हदीस है। दूसरी चीज़ है नमाज, वाकीमुस्सलाता वातुज़्ज़का, कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर,
कि नमाज जो है ये बुराई और बेहयाइयों से रोकती है, तो नमाज एक अहम अमल है, बल्कि फुकहा के यहाँ दीन के दरमियान में जो चीज़ फ़र्क करने वाली है मुसलमान और दूसरों के दरमियान में, वो नमाज है। दूसरी चीज़ रोज़ा है। रोज़े से मुराद माह रमज़ान अल मुबारक के दिनों में फजर से लेके मगरब तक खाने पीने और दीगर नफसानी ख्वाहिशात और जायज़ कामों से भी अपने आप को रोकना रोज़ा है। और जैसा कि कुरान करीम में एक इरशाद था कि तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुम से पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तक्वा हासिल कर सको। एक जगह पर है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँ। उसके बाद हज। हज असल में जानी और माली दोनों किस्म की इबादत है, जिसमें मक्का मुकर्रमा की तरफ सफ़र किया जाता है और अल्लाह सुबहाना व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की जाती है, और तमाम लोग फी कुल फज्जिन अमीक मुख्तलिफ जगहों से मक्कातुल मुकर्रमा में और मीना में इकट्ठे होते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमत लक वल मुल्क, और एक सफ़ेद लिबास पहनकर अपने आप को अल्लाह के सामने बिल्कुल मुर्दा तसव्वुर कर लेते हैं। तो हज के बारे में यह है कि अगर किसी को इस्तेतात है और उसने हज नहीं किया, तो या वो यहूदी मरा या नसरानी मरा। मुजस मेरे अजीज़ तुलबा, आप लोग इस वक्त इस्लाम की बुनियादी अकायद और इस्लाम के अकायद में इतदाल के बारे में पढ़ चुके हैं। जज़ाकल्लाह।